मेरी बाइक में दिक्कत आ रही है, बाइक खड़ी है यहाँ पे। We lost our minds in the darkness of night. We live to die. We lose our souls every day. We lost our minds. We don't remember. हेलो नमस्ते, सत सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मोटर चैनल शोभा शोभित। कैसे हैं आप सब? तो फाइनली बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है। तो यार बड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया था जब मैंने सुना कि 3 मई तक अब लॉकडाउन बढ़ चुका है, क्योंकि 1 महीने से मैं ऑलरेडी यहाँ पे हूँ। 1 महीना और ऊपर से 1 हफ़्ता और होने वाला है, तो मतलब अराउंड 45 डेज हो चुके हैं ऑलरेडी जो मैं यहाँ पर आया था जब से। बड़ा घर की याद भी आ रही थोड़ा बहुत, क्योंकि अब क्योंकि पहले भी मैं यहाँ रह चुका हूँ 2 साल पता है, बट उस टाइम पर मेरा स्कूलिंग था तो डेज लाइफ बिजी थी, तो ऐसा कुछ याद आता रहता था फैमिली का, बट आती थी बीच बीच में। बट अब जो है बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा है कि मैं अकेला हूँ, यहाँ पे बोर भी हो रहा है, तो इसलिए घर वालों की भी याद थोड़ा बहुत आ ही रही है। तो यार क्या कर सकते हैं, हम घर तो जा नहीं सकते, ये भी अपने अच्छे के लिए ये हो रहा है जो भी हो रहा है अपने देश में। इतने सारे पर डे में 1300 से 1500 केस आ रहे हैं, 18,000 तक पहुँच चुका है। अब क्या कर सकते हैं, उसको 3 मई तक एक्सटेंड होगा कि और भी ज़्यादा जाएगा, मेरे हिसाब से तो जाएगा, क्योंकि अब जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक खोलेगा नहीं देश, तो तब तक मैं शायद से अपने घर जा नहीं सकता। पुलिस के परमिशन के लिए मैंने अप्लाई किया था, पास के लिए वो ई पास भी अप्लाई इन्होंने मतलब रिजेक्ट कर दिया कि आप कोई एम्प्लॉई जा सकता है अगर जिसकी नौकरी है कुछ या खास मेडिकल कंडीशन है। अब मैं अपने घर वालों को बीमार करके तो स्पेशल घर जाने के लिए ऐसा करके जा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने अभी ड्रॉप आउट ही कर दिया है प्लान की, यहीं पर रहना ज़्यादा बेटर है फिलहाल के लिए। क्या कर सकते हैं, याद तो बहुत आ रही घर वालों की, बट जा नहीं पा रहे, बड़ा दुख तो हो रहा है। और बालों को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि कर्ली बाल हैं, बड़े तो हो चुके हैं, चुटिया बनने लायक हो चुके हैं पीछे आराम से, तो उसको तो इग्नोर करना। बस यही कह रहा था कि घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा। कब मैंने सोचा था 1 हफ़्ते के लिए यहाँ आऊँगा, घूमूंगा फिरूंगा, इन्जॉय करूँगा, वापस चले जाऊँगा अपना, बट अब 1 महीना से ऊपर हो चुका है, 1 महीने से पूरा 5-7 दिन और ऊपर हो गया, 1 महीना 1 हफ़्ता हो चुका है मेरे को ऑलरेडी यहाँ आए हुए। और ना कहीं गया हूँ घूमने, ना कुछ कर रहा हूँ, घर पर ही बैठा हूँ। घर पर बैठे बैठे मुझे याद आया, वो टाइटल देख के यहाँ पर आए ना, वो दिखाता हूँ आपको। मेरी बाइक में पहले बाइक दिखाते हैं, यहाँ पे खड़े हैं। मेरी बाइक में दिक्कत आ रही है, बाइक खड़ी है यहाँ पे, ये खड़ी है बाइक नीचे। तो मेरी बाइक में एक दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि उसमें जो उसका फ्यूल टैंक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्यूल टैंक हाफ हो चुका है ऑलरेडी, और मैंने बाइक कहीं चलाई भी नहीं है जब से मैं लेके आया हूँ। 280 किलोमीटर चली है, देखिए ट्रिप 281 है, 280 किलोमीटर है, और जो फ्यूल टैंक है वो ऑलरेडी हाफ हो चुका है। ट्रिप 1 देखिए, ट्रिप 2 273 अराउंड है। तो मतलब बाइक कहीं चली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फ्यूल कैसे ख़त्म हो रहा है इतना सारा, मतलब मैं तो बड़ा शॉक हूँ इस बात को लेके। तो उसका आप मुझे सजेशन दीजिए कोई कि कैसे ख़त्म हो रहा है फ्यूल, कोई आपके पास सजेशन होगा तो सजेशन बताइए मुझे कि फ्यूल कैसे ख़त्म हो रहा है बाइक का, इतनी जल्दी जल्दी हाफ टैंक कैसे हो गया। मैंने तो अभी चलाई भी नहीं है बाइक कहीं भी, कैसे भी अब उड़ रहा है, उसके फ्यूल टैंक में कोई दिक्कत है या कोई क्या है पता नहीं, अब देखते हैं। तो बताना नीचे कमेंट करके क्यों उसका फ्यूल हाफ टैंक हो गया एकदम से, क्या कर सकते हैं, बाइक तो कहीं चला नहीं। और मेरी बाइक की बैटरी अगेन डेड होने लग गई दोबारा, 1 महीने से कहीं बाइक चली नहीं है, तो उसकी बाइक की बैटरी भी पूरी पूरी डेड हो चुकी है। मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा कि उसके। तो आपको क्या लगता है, मुझे बाइक चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, मेरे को उसको स्पिन पे लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ थोड़ा बहुत, जिससे उसकी बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए, तो बताना कमेंट करके ये भी। और जो मेरा फ्यूल हाफ टैंक हो गया बिना चलाया बाइक का, तो उसका कुछ रीज़न बताओ, सॉल्यूशन क्या है, कि मेरा फ्यूल टैंक में दिक्कत है, फ्यूल कैप में दिक्कत है, वो भी मैं कंपनी से बात करूँगा, कॉल करके देखता हूँ क्या रिजॉल्व होता है उसका। तो जो भी है जैसा भी है आपको पता चल जाएगा, बाकी टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए, उसके बाद बात करते हैं। तो बताना कमेंट करके कि मुझे क्या करना चाहिए, बाइक को स्पिन पे लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उसकी बैटरी की वजह से, नहीं तो उसकी पूरी बैटरी डेड हो जाएगी। और जो मेरा फ्यूल टैंक है वो क्यों इतना जल्दी आधा हो गया बिना चलाए बाइक का, तो उसका भी रीज़न बताना कमेंट करके अगर आपको पता है तो। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और लॉकडाउन में आप अपने घर ही रहिए, सेफ रहिए आप अपने। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, शॉर्ट एंड सिंपल। तो आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, तक के लिए डाटा, बाय बाय, राइट सेफ, ड्राइव सेफ, ऑल इज एलिमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता, भारत माता।